प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में वापस बिहार आ रहे हैं, ऐसे में उनके रोजगार का क्या होगा, सरकार क्या सोच रही है? इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी हमारे साथ हैं। अच्छा, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, मनरेगा के माध्यम से कितनी रोजगार की व्यवस्था की गई? देखिए, जब से मजदूर बाहर से आना शुरू किए हैं, तब से जो वहाँ पर जिस सेंटर में वो रखे जा रहे हैं, प्रखंड स्तर पर, गाँव के स्तर पर, उन सेंटर में जा कर के हमारे मनरेगा के पदाधिकारी कर्मचारी उनका जॉब कार्ड का निर्माण किया है। लगभग 40,000 से ज़्यादा जॉब कार्ड हम वहाँ पर बनाए हैं जिस कैंप पे वो आवासित है। अब तो बन चुके हैं। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 3,00,000 हमने जॉब कार्ड का निर्माण कराया है और सबको हम वहाँ पर काम दे रहे हैं। और कल तक जो हमारे मनरेगा के मजदूरों ने काम किया है, 12,25,000 मजदूरों को हमने वहाँ पर काम दिया है। और प्रतिदिन मजदूर काम करने वाले बढ़ रहे हैं, रोजगार के क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए मनरेगा के लिए भारत सरकार ने भी अपने बजट को बढ़ाया है और राज्यों को भी बजट बढ़ा करके लोग मनरेगा में और लोगों को जीविका दीदी को भी रोजगार मिल रहा है, मास्क बनाने के लिए, सैनिटाइजर बनाने के लिए। जीविका की दीदियों को इसमें हम लोग लगा रहे हैं, 25 जो हमारे श्रमिक मनरेगा के काम करेंगे उनको मास्क लगा करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी, शारीरिक डिस्टेंस बना करके 2 मीटर पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो साबुन से हाथ धो रहे हैं खाना खाने के पहले या किसी से मिलने के पहले, तो ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए 25 श्रमिक पर एक जीविका दीदी को मेट के रूप में रखा गया। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत जैसा आत्मनिर्भर बिहार भी आप लोग बना रहे हैं। देखिए, हमारा काम पहले से चल रहा है, जो काम बिहार में हो रहा है वो दूसरे किसी राज्य में नहीं हो रहा है। अब ये 7 निश्चय का काम बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं हो रहा है। तो मनरेगा में भी जो हम काम कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, जीविका के माध्यम से भी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम हो रहे हैं। हमारे मनरेगा के मजदूरों को और जीविका की दीदियों वो 2 जून की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। ऐसा काम तो बिहार में रह सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जो बिहार के बाहर, बिहार के मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उनका जहां पर सेंटर बनाया गया है, जहां उनको रखा जा रहा है 14 दिनों तक, वहीं पर उनका सर्वेक्षण हो रहा है कि आप जो मजदूर हैं वो किस काम को कर सकते हैं। प्लम्बर का काम कर सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं, वो मशीन चलाने का काम कर सकते हैं, किसी उद्योग धंधा में काम कर की बात हो रही है। अब स्किल का पूरा सर्वेक्षण हो रहा है और जो जिस लायक रहेंगे वहीं से कैटेगरी वाइज बना कर करके उसकी समीक्षा करके उनको उसी तरह के काम में लगाया जाएगा। और जो मनरेगा के काम में लगना चाहते हैं उनको तो जॉब कार्ड जब चाहें तब उनको मिल सकता है, खाली बैठने नहीं देंगे। अगर उनको काम चाहिए तो बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, ये एक अच्छी बात है, जो प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं उनके लिए सरकार जो है वो हर एहतियात कदम उठा रही है, साथ साथ जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको स्किल्स को और निखारा जाएगा आने वाले दिनों में और उन्हें काम बिहार में ही मिलेगा, बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।